गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बड़हलगंज क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांव का जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया निरीक्षण। अधिकारियों से जाना नदियों का जलस्तर, बाढ़ प्रभावित गांव में राहत सामग्री वितरण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। रविवार को निकलने वाले बरावफात जुलूस व भरत मिलाप जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बेनीगंज स्थित ईदगाह पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ की बैठक। कहा, बरावफात का महानगर में निकलेगा 127 जुलूस, दोनों जुलूस के निकलने के समय में किया गया है परिवर्तन, दोनों जुलूस को कराया जाएगा सकुशल संपन्न। कैंपियरगंज के बाढ़ प्रभावित गांव का एजीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने किया निरीक्षण। कहा, पिछले दिनों हुई बारिश से नदियों का बढ़ा है जलस्तर, राप्ती और सरयू नदी पहुंची खतरे के निशान पर। जिन गांवों में पहुंचा है बाढ़ का पानी, सभी लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को किया गया है निर्देशित। कोतवाली थाने पर किया गया थाना समाधान दिवस का आयोजन। फरियादियों की सुनी गई फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया उन्हें याद, लिया उनके बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प। वायुसेना दिवस के अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में व्याख्यान माला का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, भारत 75 देशों को अत्याधुनिक रक्षा सामग्री निर्यात कर बना है आत्मनिर्भर, विश्व की शक्तियों में गिना जा रहा है भारत। और राप्ती नदी और सरयू नदी का जलस्तर बढ़ जाने से नदियों का पानी आ गया है खतरे के निशान के ऊपर। लगातार बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर, एडीएम फाइनेंस ने कहा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और नदी के किनारे रहने वाले लोग रहें सतर्क। अब खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बड़हलगंज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र व पटना घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बड़हलगंज के बाढ़ प्रभावित गांव की जानकारी ली तथा नदी के पानी के जलस्तर को जाना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित गाँव में राहत सामग्री का वितरण किया जाए। जिन गाँव में बाढ़ का पानी चला गया है वहाँ के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाए। गाँव में नाव व एनडीआरएफ को लगाया जाए जिससे किसी को किसी तरह की असुविधा ना हो। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाए क्योंकि बाढ़ में लोगों को कई तरह की बीमारी हो जाती है। उन्होंने पशुपालन विभाग को निर्देश दिया कि पशुओं का उपचार किया जाए तथा उनके खाने के लिए चारे की व्यवस्था की जाए। इस अवसर पर एसडीएम गोला, सीओ गोला गौरव कन्नौज सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बरावफात जुलूस व भरत मिलाप जुलूस को सकुशल संपन्न कराने को लेकर बेनीगंज स्थित ईदगाह के ग्राउंड पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जनपद में रविवार को भरत मिलाप व बरावफात का जुलूस निकलेगा, जिसमें 127 जुलूस बरावफात का निकलेगा तथा भरत मिलाप का भी जुलूस साथ में निकलेगा। जुलूसों को सकुशल संपन्न कराने के लिए ईदगाह में बैठक की गई है जिसमें सभी जुलूस निकालने वाले आयोजक शामिल हुए। उन्होंने बताया कि यह निर्णय लिया गया है कि सभी जुलूस के साथ एक नोडल अधिकारी साथ में रहेगा। सभी प्रमुख चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस व एसएसबी जवानों की ड्यूटी लगाई गई है जिसमें जुलूस शांतिपूर्वक निकल सके। इसके साथ ही बरावफात से निकलने वाले जुलूस के समय में भी परिवर्तन किया गया है कि वह भरत मिलाप के निकलने वाले जुलूस से पहले अपना जुलूस समाप्त कर लेंगे जिससे कि किसी भी समुदाय को किसी तरह की असुविधा ना हो और दोनों लोगों का जुलूस सकुशल संपन्न हो सके।
इस अवसर पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह, राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा, कोतवाली थाना प्रभारी अजय कुमार मौर्य, तिवारीपुर थाना प्रभारी महेंद्र कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक अरविंद राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई व सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने कहा, व्यक्ति आपसे बात भी करेगा वो क्या होगा कर लिया कि नहीं आपको? कितने लोगों से अभी तक बात हुई है किसी कांस्टेबल के बाद? थाने से कांस्टेबल का कॉल आया है अभी हमारा हमारे पास आपके पास भी आया आज भाई आया। इसका मतलब थाने से संपर्क किया जा रहा है और वो आपका इस जुलूस के लिए नोडल पर्सन है। नोडल मतलब आपकी कोई भी परेशानी है आप उसको बताइए, उसका काम है वो तुरंत पहुंचेगा और वो आपको जो भी सहायता प्रदान करनी है करेगा। उसके अलावा रूट में जहाँ जहाँ से आपका जुलूस निकलेगा वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की जाएगी, उनको अभी बता दिया जा रहा है, और सुरक्षा की व्यवस्था ये पुलिस का जिम्मा है और उसमें अतिरिक्त फोर्स भी लगाया जाएगा ताकि आप लोगों का जुलूस शांतिपूर्वक निकले। लेकिन ये एक आयोजक का ही मुख्य जिम्मेवारी है कि जुलूस में किस प्रकार के लोग आते हैं। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार के लोग आए हैं जुलूस में जो लोग आप नहीं चाहते हैं और आप उनको निकालने में असमर्थ हैं तो आप तुरंत पुलिस को बताइए। ऐसा नहीं हो कि बाद में उसी चीज़ को लेकर जुलूस में लड़ाई हो या कोई ऐसा मसला हो और बाद में पुलिस वाले पूछे भैया अब आपको पता था आप आयोजक हैं आप मुख्य हैं उसके वो हैं तो क्यों नहीं आपने बताया? ठीक है, इस तरह की घटना पीछे एक दो दिन में और भी दूसरे त्यौहार भी हुए हैं जिसमें पहले छोटी मोटी लड़ाई हुई लेकिन उनके द्वारा नहीं बताया गया, नहीं बताने के बाद में वो घटना बड़ा रूप ले लेती है। दूसरे कहीं और के लड़के आते हैं और जुलूस के अंदर मिलते हैं और समस्या पैदा होती है, इसलिए आप जिनको बुलाते हैं जुलूस में उसको आपको जानकारी रहनी चाहिए और उसके बाद में जो साथ में नोडल अधिकारी हो जुलूस के साथ साथ चलेगा तो आप उसको भी बताते रहिए, कोई समस्या हो तो भी तुरंत बताएं, उनको हम सेंसिटाइज करेंगे जो भी पुलिस के बल है ताकि वो तुरंत समय रहते जिस प्रकार की सहायता की जरूरत है वो कर पाएंगे। पिछले 5-5.5 महीने में एक छोटे से भी इंसिडेंट की ना मुस्लिम पक्ष की तरफ से ना हिंदू पक्ष की तरफ से कहीं ऐसा कम्युनल का इस शहर में है, इतनी शांति और अमन इस शहर में बहुत ही अच्छा फील होता है। करता हूँ कि आप इसी तरीके से जारी रखेंगे, आप अपने नोडल अधिकारी का नाम जरूर नोट कर लेना और उसके बाद भी कोई समस्या हो वो नहीं निपटा पा रहा है तो आप जरूर ऐसे चौको पुलिस के साथ में और बाकी मैं सीओ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डिटेल में इसको ब्रीफ कर देंगे क्या बात है। पूरा जुलूस दो ही जाता है, नहीं आने का नहीं वापस जाने का, आने का टाइम तो आप पहले आ जाएंगे ना, आप निकले वापस जाने का, जिनका वापस जाने का उस रास्ते पर मतलब जिन लोगों का आप वापस जा रहे हो उधर क्योंकि मिर्जापुर राजघाट वाले हो जाएंगे सब लोग, वो लोग अपना 11 बजे तक पार करना है आप लोगों को तो। आप अपने समय से निकालिए, वो जुलूस में कोई समस्या नहीं है, ठीक है, आपका जुलूस अपने समय से अपने हिसाब से निकले उसकी कोई समस्या नहीं है, उसका जो रूट है उसका रास्ता है वो जहाँ जहाँ भी जैसे इस रात नहीं सर नखास से जो राजस्थानी जुलूस है उसमें दो जुलूस है जो इस रोड से जाएगा घसीघटना से मिर्जापुर जाएगा दो जुलूस जाएंगे इधर तो उनकी टाइम कोई मतलब नहीं है, जो उधर से जुलूस आने हैं वो तिवारीपुर थाना के 10-12 जुलूस हैं और कोतवाली से 2-3 जुलूस हैं वो आएंगे वो तो पहले ही जाएंगे। हाँ वो पहले ही साहिलों की सहमति है उसी पर जैसे आपने कहा उसी को अनुभव करेंगे उसी बात पर हम चलेंगे। वैसे भी हम लोग जब 2 घंटा पीछे हो गए हैं जाहिर सी बात है हम लोग सबसे बड़ी बात यह जो हम लोग नखास छोड़े थे खूनीपुर की जो दूरी है ये मान लीजिए कि 1,000 स्क्वायर फीट है मोटी मोटी बात और मिर्जापुर की 2,000 है मिर्जापुर चौरस से घसघटा की दूरी ये हमारा जो इसकी फाट चलता है
उधर कोई जाम नहीं, समस्या ही नहीं है, उधर कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं, उधर चलते रहते हैं, कहीं रुकना नहीं है। जो भी जुलूस की टाइमिंग हमारी लगती है वो नखास से मिर्जापुर चौराहे के बीच में ही लगती है। सहयोग करिएगा आप लोग, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, लेकिन वो लोग आपका जैसे कहीं रुक रहा है किसी कारण से तो लोग उसको आगे बढ़वाएंगे, आप लोग भी उसी तरह से बढ़ते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद सब लोगों को इस मीटिंग में आने के लिए। अब आज मीटिंग समाप्त की जाती है, फिर हम लोग 9 तारीख को मिलते हैं जुलूस में। बारावफात का जुलूस 9 तारीख को निकलना है, उसी दिन रात में एक भरत मिलाप का भी जुलूस होगा, उसको देखते हुए दोनों के जुलूस में समय को प्रबंधन के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई थी। यह सहमति से सब लोग तैयार हुए हैं, ये भरत मिलाप का जुलूस निकलने से पहले ये लोग अपना जुलूस निकाल लेंगे, जिससे किसी तरह की असुविधा ना हो। पर बारावफात का जुलूस शांतिपूर्वक निकलने के लिए उनके साथ हर जुलूस के साथ पुलिस बल को लगाया जा रहा है, जिससे समय से सकुशल संपन्न कराया जा सके। जनपद गोरखपुर में कल भरत मिलाप एवं बरावफात के जुलूस निकलने हैं, जिसमें 127 जुलूस बरावफात के निकलेंगे एवं भरत मिलाप का भी जुलूस निकलेगा। सभी जुलूस शांतिपूर्वक से निकले इसके लिए आज ईदगाह बैनीगंज में बैठक की गई है। बैठक में सभी मुतवलियों द्वारा पार्टिसिपेट किया गया एवं मुतवली एक्शन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो भी हैं, यहाँ पे हैं। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सभी जुलूसों के साथ में एक नोडल अधिकारी रहेगा एवं महत्वपूर्ण चौराहों पर ट्रैफिक एवं गोरखपुर पुलिस की ड्यूटियां एवं SSB को भी तैनात किया गया है, ताकि सुरक्षा चाक चौबंद रहे और सभी लोग अपना शांतिपूर्वक जुलूस को निकाल पाएं। थैंक यू। ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने शनिवार को कैंपियरगंज के बाढ़ प्रभावित गांव का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में 4 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण राप्ती नदी सरयू नदी में भारी बारिश होने के कारण पानी ज्यादा हो गया है। अब दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर हो गई हैं, जिसमें कुछ गाँव में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। अगले कुछ दिनों में बाकी गाँव में भी पानी पहुंचने की संभावना है, जिसमें 25 गाँव है जिसमें पानी पहुंच सकता है, जिसको देखते हुए कैंपियरगंज के रोहिणी नदी के कुछ गांव का निरीक्षण किया गया है, जिसमें कैंपियरगंज के गांव में पानी आ गया है, फसलें डूब गई हैं, जिसको देखते हुए तहसील व अन्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि वह लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध करवाएं। इसके साथ ही जिनका फसल डूब गया है उनको कहा गया है कि वह अपना फार्म भर कर जमा करें, जिससे कि राहत का पैसा उनके खाते में भेजा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, हाँ पहुँच रहा है। ये भी कौन सा गांव हुआ? सरहरी में। हाँ सरहरी मोज़ा। सरहरी मोज़ा बंद रहा। अच्छा, अच्छा क्या बोल रहा था इसमें? कितने की बात कर रहे हैं? कितने की बात? अरे यहाँ तो घर तक जो दिखाई पड़ रहा है कई लोग हैं। अरे हो सके, जमीन तो इतनी होगी? नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह ADM फाइनेंस गोरखपुर हूँ और प्रभारी अधिकारी आपदा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 3-4 दिनों से प्रदेश में रुक रुक कर भारी वर्षा हो रही है, जिसके कारण जो हमारी राप्ती नदी है और सरयू नदी है, इसका जो पीछे का कैचमेंट एरिया है, इसमें भारी वर्षा होने के कारण पीछे से पानी आ रहा है और ये दोनों नदियां गोरखपुर में अब खतरे के निशान से ऊपर हैं। कई गांव ऐसे हैं जिनमें आज पानी आ गया है, अगले 2-3 दिनों में भी पानी आने की संभावना है। लगभग 25-30 गांव ऐसे होंगे जिनके आसपास पानी आने की संभावना है। इसी सिलसिले में आज हमने रोहिन नदी का जो हमारा क्षेत्र है कैंपियरगंज में, उसका विजिट किया। वहाँ के कुछ गांवों में, कुछ मोहल्ले
के आसपास पानी आ गया है, कुछ फसलें हैं जो डूब गई हैं। निर्देशित किया गया है तहसील को, अन्य विभागों को भी, जो राहत और बचाव से संबंधित है वो कार्य तत्परता से करें और जैसे ही पानी हट जाए आकलन कर लें। जिन फसलों में 50% से अधिक की क्षति हुई है उनका रिलीफ खतौनी भर करके दें राहत की वेबसाइट पर, जिससे उनके खाते में राहत का पैसा जा सके। धन्यवाद। कोतवाली थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने बताया कि जनपद के सभी थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें लोग अपना अपना समस्या लेकर आ रहे हैं। उनकी समस्याओं का पुलिस और राजस्व टीम के साथ बैठकर निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अधिकतर मामले भूमि विवाद से संबंधित आए हैं, जिसके निस्तारण के लिए राजस्व व पुलिस टीम को मौके का निरीक्षण कर निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने कहा, जिले में चल रहा है, हमारे सर्किल में भी सभी जगह अभी हो रहा है। जैसे प्रार्थना बता रहे हैं उसको जो उनके अनुसार उनका समाधान कराया जा रहा है। जो वो राजस्व वो जमीन से जुड़े हुए हैं उनको राजस्व की टीम के साथ समाधान कराया जा रहा है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बड़हलगंज क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांव का जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया निरीक्षण। अधिकारियों से जाना नदियों का जलस्तर, बाढ़ प्रभावित गांव में राहत सामग्री वितरण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। रविवार को निकलने वाले बारा वफात जुलूस व भरत मिलाप जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बेनीगंज स्थित ईदगाह पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ की बैठक। कहा, बारा वफात का महानगर में निकलेगा 127 जुलूस, दोनों जुलूस के निकलने के समय में किया गया है परिवर्तन, दोनों जुलूस को कराया जाएगा सकुशल संपन्न। कैंपियरगंज के बाढ़ प्रभावित गांव का एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने किया निरीक्षण। कहा, पिछले दिनों हुई बारिश से नदियों का बढ़ाया जलस्तर, राप्ती और सरयू नदी पहुंची खतरे के निशान पर। जिन गांवों में पहुंचा है बाढ़ का पानी, सभी लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को किया गया है निर्देशित। कोतवाली थाने पर किया गया थाना समाधान दिवस का आयोजन। फरियादियों की सुनी गई फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया उन्हें याद, लिया उनके बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प। वायुसेना दिवस के अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में व्याख्यान माला का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, भारत 75 देशों को अत्याधुनिक रक्षा सामग्री निर्यात कर बना है आत्मनिर्भर, विश्व की शक्तियों में गिना जा रहा है भारत। और राप्ती नदी और सरयू नदी का जलस्तर बढ़ जाने से नदियों का पानी आ गया है खतरे के निशान के ऊपर, लगातार बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। एडीएम फाइनेंस ने कहा, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र और नदी के किनारे रहने वाले लोग रहें सतर्क। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुरन चौक स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया, जिसके संबंध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव ने बताया कि स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी ने अपने कृतित्व से प्रत्येक भारतीयों के मन में अपनी लोकप्रियता एवं जगह बनाई थी, इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें लोकनायक की उपाधि दी और जयप्रकाश जी ने क्रांति का दायित्व युवाओं के कंधों पर सौंपना प्रारंभ किया था। उन्होंने
कहा कि राजनीति एवं समाज में गांधीवादी विचारों को आगे बढ़ाने वाले नेताओं में जयप्रकाश नारायण का प्रमुख स्थान था। वह महान व्यक्तित्व, जुझारू प्रवृत्ति और साहसी अभूतपूर्व नेतृत्व क्षमता के गुणों से थे। वह किसी वर्ग विशेष के न होकर भारत के युवा से लेकर सभी उम्र के लोगों के जननायक माने जाते थे, इसलिए जनता भी उन्हें लोकनायक के नाम से जानती है। इस अवसर पर विनोद यादव, विजय यादव, रौनक श्रीवास्तव, जयप्रकाश यादव, गोलू यादव, निवास यादव, संदीप चौरसिया, राहुल निषाद, इरफान उल्लाह खान आदि लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव ने कहा, कपीश श्रीवास्तव, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। देखिए, आज संपूर्ण क्रांति के प्रणेता, समाजवाद सिद्धांतों को स्थापित करने वाले, भारत में नव चेतना देने वाले और आपातकाल की स्थिति में तानाशाह सरकार के विरुद्ध बिगुल फूंकने वाले और तरणाई को जगाने वाले, जिनके लिए राष्ट्रकवि दिनकर जी ने कहा था कि हमारे ये एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने मजलूमों, गरीबों और सामाजिक न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित करने की लड़ाई लड़ी है। जय प्रकाश का बिगुल बजा, जाग उठी तरुणाई है, उठो जवानों, तिलक लगाने क्रांति द्वार पर आई है। ऐसे लोकनायक जय प्रकाश नारायण, जिन्हें गांधी जी ने लोकनायक की उपाधि प्रदान की हो, आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोग यहाँ इकट्ठित हुए हैं, श्रद्धा सुमन उनको अपना अर्पित किए हैं। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शनिवार को रक्षा अध्ययन विभाग द्वारा वायुसेना दिवस के अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह की अध्यक्षता में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मर्यादा पुरुषोत्तम पीजी कॉलेज मऊ के प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार राय ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार राय ने कहा कि भारत के उत्तर और पश्चिमी सीमा पर हमारे दो शत्रु हैं, जिसमें चीन सैनिक तथा तकनीकी दृष्टि से भारत से बहुत आगे है, जिसके कारण भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना होगा। भारत अब रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ा है, इसलिए सार्वजनिक भारतीय कंपनियों के साथ साथ निजी कंपनियां भी रक्षा क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। इसके लिए भारत में उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना कर रहा है, जिससे भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। साथ ही साथ ये भारत की आर्थिक संपन्नता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेगा। भारत रक्षा क्षेत्र के निर्यात में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। आज भारत ब्रह्मोस, तेजस जैसे अत्याधुनिक हथियारों का निर्यात कर रहा है। इसके साथ ही भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों को बताते हुए उन्होंने कहा कि आगे चलकर विश्व कॉन्टैक्ट लेंस वार और अंतरिक्ष युद्ध की तरफ से अग्रसर हो रहा है, जिसमें सैनिक एक दूसरे से बिना संपर्क में आए हुए युद्ध लड़ने के लिए तत्पर होंगे। भारत 75 से ज़्यादा देशों में रक्षा सामग्री निर्यात कर रहा है। ये भारत की रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने का प्रमाण है। यह निर्यात प्रत्येक वर्ष बढ़ता जा रहा है, जिससे भारत तेजी से रक्षा निर्यातक देश के रूप में स्थापित हो रहा है। यह भारत के आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भारत विश्व की शक्तियों में गिना जा रहा है। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर राम प्रसाद यादव, डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर सिंह, विकास कुमार पाठक व छात्र छात्राएँ उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रचार प्रोफेसर ओपी सिंह ने कहा, शुरू करने से पहले ही मान गंभीर जी द्वारा, मान दिग्विजय जी द्वारा
सदैव जुड़े रहे क्योंकि हम लोगों को ऐसे अध्यापक गण मिले जिनके सरस्वत्व में जिनके नेतृत्व में हम लोगों को हर जगह जाने का सभागार में बड़े बड़े संगोष्ठियों को सुनने का और महनीय महामानव वैद्यनाथ जी के मार्गदर्शन कही आओ तो बहुत बड़े थे उनको देखने सुनने समझने का थोड़ा सा नजदीक से एक अवसर मिला और जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं वो उस समय अभी गोरखपुर में उनका नया पदार्पण था तो उस रूप में उनको जानने समझने का ये मौका मिला। मैं सौभाग्यशाली हूँ मैं आप लोगों के मध्य मित्र शुभ्रांशु जी करने पे हूँ। आज का विषय सर्वप्रथम तो आज वायु सेना दिवस है 8 अक्टूबर हर साल 1932 से बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उस समय कॉलोनियल आर्मी थी ब्रिटिश इंडिया था 1932 से ही एयरफोर्स की स्थापना हुई और धूमधाम से आज ही के दिन प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। गोरखपुर भी एक वायुसेना का गढ़ है एक सेंट्रल पॉइंट है और ये बहुत क्रूशियल जगह है भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस लिए हुए प्लेस है। चूंकि यहाँ से चाइना के बॉर्डर नेपाल का बॉर्डर बहुत दूर नहीं है तो उत्तर क्षेत्र का ये मजबूत हवाई अड्डा है इसलिए हो सकता है कि भविष्य में आपको एयरफोर्स के बड़े अधिकारियों को भी सुनने का मौका मिले। वायुसेना दिवस की आप लोगों को खूब बधाई। आप लोग एयरपोर्ट पे जाइए कभी वायुसेना वाले क्षेत्र में जाइए और वहाँ के विमानों को जो एयरफोर्स के विमान हैं जेट फाइटर वगैरह फाइटर प्लेन्स जगवार मिराज दिल्ली आप लोग पढ़ते होंगे तो वो सब भी देखने का आप लोगों को अवसर मिलेगा। आप लोग ऐसे स्थल पर हैं जिसका भी लाभ आप लोग उठाइए। आज के टॉपिक पे हम लोग चलते हैं भारत का रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु बढ़ते कदम। सर्वप्रथम तो आप सभी अवगत होंगे कि आत्मनिर्भरता है क्या। आत्मनिर्भरता का मतलब कि पूरी तरह से स्वावलंबन आप अपने पैरों पर खड़े हैं वही आत्मनिर्भरता है। अगर आप किसी के मदद से चल रहे हैं तो बैसाखी का सहारा उसे कह जाएगा और बैसाखी से आप चल तो सकते हैं लेकिन दौड़ नहीं सकते यानी आप कभी विकास के पथ पर तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ सकते। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप लोग पढ़ते हो बहुत चीजें कक्षा में शिक्षण का अंग नहीं होती है क्योंकि आपके पाठ्यक्रम की विषय वस्तु नहीं होती है लेकिन रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन के अध्येता के रूप में या छात्र के रूप में आपका दायित्व बनता है कि जो भी चीज इस तरह की मिले तो उसको आप डिटेल में यूट्यूब और इंटरनेट की मदद से गहराई से छान पड़ता करें छानबीन करें। ये बहुत जरूरी चीजें हैं विश्व युद्ध दोनों आप यूट्यूब से देखिएगा समझिएगा। तो कॉलोनी पीरियड में भी भारत वर्ष में बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियां बन गई थी जो आयुध निर्माण कर रही थी अर्थात वो लड़ाई के साजो सामान बना रही थी आम इक्विपमेंट बना रही थी। 18 ऐसी फैक्ट्रियां थी
जो बड़े बड़े गन आर्टिलरी गन जिसको बोला जाता है, एक गन तो जो होता है जो 303 आप देखते थे 5 साल पहले, अभी पुलिस लोग भी लेके एक राइफल चलते थे 303। भारत थोड़ा सा और उन्नतशील हुआ तो इंसास राइफल यहाँ बनी, अब थोड़ा सा और एडवांस हो गया तो AK-47 AK-56 का नाम सुने होंगे, तो AK की एक अगली एडवांस सीरीज 203 नाम से अब लखनऊ में बन रही है हर साल से। तो ये सब चीजें लेके तो आत्मनिर्भरता का अर्थ आप लोग जान चुके हैं कि आत्मनिर्भरता मतलब कि स्वयं के कदम पे खड़े होना और विश्व के रेस में कदम से कदम मिलाकर दौड़ना। अंतरराष्ट्रीय विषय आपको समाचार के माध्यम से मिलता है, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, कम समझ में आएगा, तो आप महीने दो महीने 6 महीने देखेंगे तो हो सकता है आप बहुत गहराई तक। आज दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रक्षा एवं सामरिक अध्ययन विभाग के तरफ से वायुसेना दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी रखी गई है और जिस संगोष्ठी का विषय है कि रक्षा क्षेत्र में भारत कितना आत्मनिर्भर बना है और इस रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी स्तर पर क्या किया जा रहा है। आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रदीप कुमार राय जी हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम महाविद्यालय रतनपुरा बलिया से हमारे बीच आए हैं। ये रक्षा अध्ययन के बड़े ही निष्णात विद्वान और अध्येता हैं, आज उनका व्याख्यान चल रहा है। जनपद में राप्ती नदी और सरयू नदी का जलस्तर बढ़ जाने से पानी नदियों के खतरे के निशान के ऊपर आ गया है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में राप्ती और सरयू नदी का जलस्तर डेंजर लेवल के पास आ गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि नदी का जलस्तर बढ़ गया है अर्थात नदी में ना जाएं जिससे कि किसी दुर्घटना से बच सकें। उन्होंने कहा कि अगले एक सप्ताह में नदी फिर अपनी जगह पर आ जाएगी और जो लोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और नदी के किनारे हैं नदी का जलस्तर देखते रहें और अपना जो भी सामग्री है उसे सुरक्षित रखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। मेरे जनपद में गोरखपुर में राप्ती नदी और सरयू नदी का जलस्तर डेंजर लेवल के पास है। मेरा अनुरोध है आम नागरिकों से इस समय नदी में ना जाएं, नदी में अथाह पानी है और उससे कोई दुर्घटना भी हो सकती है। मेरा अनुमान है कि अगले एक सप्ताह में नदी फिर अपने चेतावनी के बिंदु से भी नीचे आ जाएगी, तब तक के लिए नदियों में ना जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो बाढ़ क्षेत्र में लोग हैं, गांव हैं, उनके लिए जो लोग बाढ़ क्षेत्र या नदी के किनारे हैं, लो लेवल में हैं, जिसको LFL बोलते हैं, लो फ्लड एरिया लेवल, तो वहाँ के लगभग हमारे 140 गाँव हैं, उन गाँवों से मेरा अनुरोध है कि वे नदी का जलस्तर देखते रहें,
हमारी वेबसाइट देखते रहें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप देखते रहें, उनसे उनको मालूम हो जाएगा कि नदी का जलस्तर क्या है, आगामी संभावनाएं क्या हैं, और वे नदी में ना जाएं और अपना जो भी सामग्री है उसको सुरक्षित रखें। यदि पानी और ज़्यादा बढ़ता है तो किसी भी ऊँचे स्थान पर अथवा हमारा जो बाढ़ का सड़ालय बना हुआ है वहाँ पर आ जाएँ। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। बड़हलगंज क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांव का जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया निरीक्षण। अधिकारियों से जाना नदियों का जलस्तर, बाढ़ प्रभावित गांव में राहत सामग्री वितरण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। रविवार को निकलने वाले बरावफात जुलूस व भरत मिलाप जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बेनीगंज स्थित ईदगाह पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ की बैठक। कहा, बरावफात का महानगर में निकलेगा 127 जुलूस, दोनों जुलूस के निकलने के समय में किया गया है परिवर्तन, दोनों जुलूस को कराया जाएगा सकुशल संपन्न। कैंपियरगंज के बाढ़ प्रभावित गांव का एजीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने किया निरीक्षण। कहा, पिछले दिनों हुई बारिश से नदियों का बढ़ा है जलस्तर, राप्ती और सरयू नदी पहुंची खतरे के निशान पर, जिन गांवों में पहुंचा है बाढ़ का पानी, सभी लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को किया गया है निर्देशित। कोतवाली थाने पर किया गया थाना समाधान दिवस का आयोजन। फरियादियों की सुनी गई फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया उन्हें याद, लिया उनके बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प। वायुसेना दिवस के अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में व्याख्यान माला का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, भारत 75 देशों को अत्याधुनिक रक्षा सामग्री निर्यात कर बना है आत्मनिर्भर, विश्व की शक्तियों में गिना जा रहा है भारत। और राप्ती नदी और सरयू नदी का जलस्तर बढ़ जाने से नदियों का पानी आ गया है खतरे के निशान के ऊपर, लगातार बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। एडीएम फाइनेंस ने कहा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और नदी के किनारे रहने वाले लोग रहें सतर्क। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।